नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कवच के बारे में है। जो हमारी गवर्नमेंट ईमेल आईडी है उसको हम बहुत आसानी से ब्राउज़र पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करके एक्सेस कर लेते हैं, परंतु आने वाले समय में हम उतनी आसानी से इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और अभी फ़िलहाल अगर मैं अपने ब्राउज़र पर चलूँ तो इस तरह की एक स्क्रीन आती है जब आप email.gov.in अपने ब्राउज़र पर टाइप करते हैं और आप लॉग इन कर यूज़र नेम पासवर्ड डालकर साइन इन करके अपने ईमेल को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी सिक्योर्ड वे है क्योंकि ये गवर्नमेंट ईमेल सर्वर पर है, परंतु सिक्योरिटी को और बढ़ाते हुए एक कवच एप्लीकेशन का इंट्रोड्यूस किया गया है। एक्चुअली तो उसके दो वर्जन है, एक डेस्कटॉप वर्जन है और एंड्रॉयड और हमारे मतलब मोबाइल वर्जन भी है और प्रोबेबली आईफोन के लिए भी होगा ही। तो फिलहाल हम देखते हैं डेस्कटॉप वर्जन को हम इस वीडियो में कवर करते हैं और उसी में थोड़ी सी लंबी प्रोसीजर है। एंड्रॉयड वाले को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वो काफ़ी छोटी प्रोसीजर है। तो फिलहाल कवच एप्लीकेशन से हमें करना क्या होता है, आप चाहें तो गूगल में जाकर, अगर यहाँ पर मैं टाइप करूँ कवच और स्पेस डाल के NIC, तो भी आपको पहली जो लिंक मिल जाएगी kavach.mail.gov.in, और आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं लॉगिन पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह की स्क्रीन निकल कर आएगी, आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपना ऑफिशियल गवर्नमेंट ईमेल आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड जैसे हम डालते थे वो डालना है, लॉगिन कर जाना है। तो मैं एक बार वो डिटेल डालकर लॉगिन करता हूँ। नेक्स्ट पेज पर एक OTP मांगेगा, उस स्क्रीन पर आकर फिर मैं दोबारा रिज्यूम करता हूँ वीडियो को। तो यूज़र नेम पासवर्ड जब आप डालेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे ये आएगा जहाँ पर OTP डालने के लिए बोलेगा। तो मैं फ़िलहाल जो OTP रिसीव हुआ है मुझे वो मैं डाल देता हूँ और फिर मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। तो नेक्स्ट स्क्रीन में आपको आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर कुछ पुश टोकन यानी किस तरह का ऑथेंटिकेशन होगा, उसका कोई सीरियल की लाइसेंस की है वो आ जाएगा, पर एक्सपायरी कोई डेट नहीं है, यूज़र स्टेटस में अभी अनलॉक है। हमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट पैनल पे हमारे बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे जो ऊपर के ऑप्शन है यूज़र वाला। अभी फ़िलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। और अभी हमारा काम क्या है, डाउनलोड करना है हमको अपने सिस्टम के लिए कवच। तो यहाँ पे देखिए विंडोज़ क्लाइंट, मैक क्लाइंट और लिनक्स क्लाइंट लिखा हुआ है। आपकी जो मशीन है यानी जो आपका कंप्यूटर, उस हिसाब से आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। फिलहाल मैं विंडोज़ मशीन पे हूँ, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा, तो मैंने विंडोज़ क्लाइंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जब ये क्लिक होगा तो यहाँ पे नीचे आपका डाउनलोड चालू हो जाएगा। ये डाउनलोड काफ़ी समय लेगा क्योंकि लगभग मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है, ये 143 MB का डेटा है। तो फिलहाल मैं डायरेक्ट उस पर ले जाता हूँ आपको, उस exe पे kavach.msi पे, और उसको दिखाता हूँ। इसको मैं फिलहाल यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, या जब पूरा डाउनलोड हो जाएगा आपका तो आप उसको उसी तरह से इंस्टॉल कर पाएंगे। तो मैं आपको उस फोल्डर पे अगर ले जाऊँ, ये मैंने डाउनलोड करके पहले से रखा हुआ वही फाइल है kavach.msi। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा MB की फाइल है, यानी लगभग 143 MB की तो है ही ये फाइल। हमें कुछ नहीं करना है, हमको एज नेचुरली हम जैसा करते हैं kavach.msi पे डबल क्लिक करके इसको रन कर देना है। ये इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अगर आप इसको कहीं पर ब्राउज करके किसी और फोल्डर में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, या जहाँ पे भी डेटा है वहाँ जा रहा है, जाने देते हैं अभी फिलहाल। यहाँ पर ऑप्शन है, आप सिर्फ आपके लिए ये kavach.msi का सेटअप चाहते हैं, यानी इस पर्टिकुलर जो अभी लॉगिन है विंडोज में उससे चाहते हैं या सभी के लिए चाहते हैं। मैं फिलहाल एवरीवन कर दे रहा हूँ, आपको जो उचित लगे वो कीजिए। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। इस इंस्टॉलेशन को हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं वापस वीडियो में आता हूँ। अभी इसको मैं पॉज कर देता हूँ। हमारा इंस्टॉलेशन हो गया है, ये फाइनल स्क्रीन आएगी, इसमें हमको क्लोज बटन पे क्लोज पे क्लिक करना है और ये हमारा फाइनल इंस्टॉलेशन हो गया है। अब हम एक काम करते हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं अपने। ये डेस्कटॉप पे मैं आ गया, यहाँ पर एक ये नया शॉर्टकट बन के आ गया है कवच ऑथेंटिकेशन के नाम से, और NIC@NIC लिखा हुआ है। इस पर डबल क्लिक करता हूँ मैं, और आपको भी इसको फर्स्ट टाइम पे करना ही पड़ेगा डबल क्लिक। इसको ओपन हो जाने देते हैं और देखिए यहाँ पर ये ओपन होने के बाद एक एग्रीमेंट आया है यूज़र लाइसेंस का, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन या कुछ उससे रिलेटेड है, हमको एक्सेप्ट द एग्रीमेंट वाले पे क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया है। अब आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी, ये एक बार आपके पास आएगी सामने, तो आप दोबारा अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो आपका ऑफिशियल है उसमें डाल के सबमिट कीजिए। मैं वो डाल के सबमिट करता हूँ और दोबारा एक बार OTP हमें डालना पड़ेगा। इसको मैं डाल के सबमिट करके फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे आता हूँ।
तो ये नेक्स्ट स्क्रीन पे ये दोबारा ओटीपी डालने के लिए बोल रहा है, आपके मोबाइल पे आ जाएगा ईमेल। मैं वो जो मुझे रिसीव हुआ है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। और फिर सबमिट बटन पे हमको क्लिक करना होगा। ये वन टाइम एक्टिविटी है इस पर्टिकुलर मशीन में। मुझे अगर किसी और मशीन में करना पड़ेगा तो फिर मुझे डालना पड़ेगा। अब ये मेरी मशीन कॉन्फ़िगर हो गई है। यहाँ पर आपके पास, अब आप जब ब्राउज़र पे जाएंगे, मतलब अगर मैं दोबारा ब्राउज़र पे आता हूँ और अब मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा, अगर अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालूँगा तो पहले मुझे एक स्क्रीन देगा कि आप इसको परमिट करना चाहते हैं कि नहीं इस मशीन पे। तो वो क्या मैसेज आता है उसको मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने रिज्यूम किया, उसने मुझे बोला कि एक लॉगिन रिक्वेस्ट आ रही है 3:53 पे इस डेट को, तो क्या इसको एक्सेप्ट करना है कि डिनाई करना है। तो हम इसको फ़िलहाल एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो मुझे लॉगिन कर देगा मेरे ब्राउज़र पे। तो ईमेल आईडी इस तरह से आप अपने ब्राउज़र पे एक्सेस कर पाएंगे। अभी आप बिना कवच एप्लीकेशन के भी कर पाएंगे, मगर आने वाले समय में इसको आप ब्राउज़र में तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आपकी कवच की परमिशन है। मान लीजिए आपने ये सेटअप आपके ऑफिस के कंप्यूटर पे कर दिया है तो आप अपना ईमेल आईडी वहाँ एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन अगर घर आके करेंगे या मोबाइल पे एक्सेस करेंगे तो फिर वो आपको मोबाइल या कंप्यूटर से आपको लॉगिन करने नहीं देगा। आपको उस पर भी कवच का सेटअप करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने ईमेल को एक्सेस कर सकेंगे। इसके अलावा आप कंट्री पॉलिसी वगैरह की भी सेटिंग्स हैं, उसको हम किसी सेपरेट वीडियो में देखेंगे। और उसका यूज़ कब और किन को होगा, एज सच हम सभी को इसका उसका यूज़ नहीं होगा, तो उसके बारे में भी हम जो ज़रूरी डिस्कशन है उसको करेंगे। परंतु नेक्स्ट जो पहले प्रायोरिटी है वो हमें कि मोबाइल पे हमारा ईमेल आईडी हमको जो ब्राउज़र पे एक्सेस करना है, क्योंकि हम बहुत फ्रिक्वेंटली उसको एक्सेस करते हैं। डेस्कटॉप के कंपेरिजन में हम मोबाइल पे ज़्यादा ईमेल एक्सेस करते हैं, तो उसको कैसे हमको करना होगा एंड प्ले स्टोर से हमें कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मुझे आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।